अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? सब खैरियत से हैं? आज मैं जा रहा हूँ सादिकाबाद के लिए, घर से निकल रहा हूँ इस वक्त। और फिर हमारे जो करीब जगह बनती है 14 पुल पॉइंट है, वहाँ से ये हाई रूफ है इसमें सवार हुए और फिर मुल्तान का सफ़र है। और मुल्तान में से मैंने फैसल मोड़ पे टिकट बुक करवाई हुई है, वहाँ से जाके टिकट लेते हैं। ये आप टर्मिनल देख रहे हैं फैसल मोड़ का, मुल्तान का टर्मिनल काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत टर्मिनल है। यहाँ पे मुख्तलिफ शहरों के लिए यहाँ से सर्विस अवेलेबल है। ये रही मेरी टिकट सादिकाबाद की, जिसका किराया है 1000 रुपया। और ये सामने जो येलो कलर के साथ बस है यू टाउन की, येलो वाली डेमो के साथ, ये वाली तो दूसरी है। और ये इस तरफ जो एग्जीक्यूटिव क्लास है, ये वो बस है जो जाएगी सादिकाबाद, तो इसमें सवार होते हैं। ये उस बस का आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं, फैसल मूवर्स यू टाउन बस। इसके साथ दूसरी बसें भी हैं। ये खूबसूरत सा टर्मिनल है फैसल मूवर्स का। ये एक साइड पे डेवो की येलो कलर की बस है। 3 बजे का डिपार्चर टाइम था, 3:05 पर बस डिपार्चर हो चुकी है। ये जो विहाड़ी चौक है मुल्तान का, वहाँ से बस इस वक्त निकल रही है। और बस में हमें रिफ़्रेशमेंट भी दी गई, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स और पानी वगैरह ही था। रास्ते में इसका पहला जो ड्रॉप पॉइंट था वो ज़ाहिर पीर था, ज़ाहिर पीर इंटरचेंज पे इन्होंने ड्रॉप किया। उसके बाद फिर रहीम यार खान इंटरचेंज से ये नीचे उतरे, और उसके बाद इनका जो सफ़र है वो रहीम यार खान की तरफ था। दूसरा इनका जो ड्रॉप पॉइंट बनता है वो रहीम यार खान का बनता है। ये आप देख रहे हैं कि रहीम यार खान टूल प्लाजा से बस जो है वो एग्ज़िट ले रही है। ये सफ़र तकरीबन 4.5 घंटे का बनता है, क्योंकि रास्ते में इनका एक स्टॉप भी आता है, जिसकी वजह से ये 4.5 घंटे का सफ़र बनता है जो इन्होंने रहीम यार खान में ड्रॉप किया। ये इस वक्त रहीम यार खान में ड्रॉप करने के बाद जो बस है वो इस वक्त रवाना हो चुकी है सादिकाबाद के लिए। तकरीबन 20-25 मिनट का सफ़र बचता है, ये हम सादिकाबाद में इंटर हो चुके हैं। ये जी इस वक्त हम सादिकाबाद टर्मिनल पर पहुंचने वाले हैं। ये बस स्टैंड है जहां पे मुख्तलिफ किस्म की लोकल बसेस और दूसरी बसेस भी यहां पे अवेलेबल होती हैं। पूरे पाकिस्तान में सर्विस अवेलेबल है यहां से। ये फैसल मोड़ का इसके सामने बिल्कुल टर्मिनल है। यहाँ पे आपको एक और ग्रीन कलर की बस भी देख रहे हैं, और ये साथ में पेट्रोल पंप है। यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई शहज़ाद भाई से, जो के मैनेजर हैं शहज़ादा एक्सप्रेस से। तो उनसे मुलाकात हुई और उनके कुछ दोस्त भी थे, बहुत अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ। ये आप देख रहे हैं मेरे साथ शहज़ाद भाई बैठे हुए हैं और मज़ीद जो दोस्त हैं वो बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया, चाय वगैरह पी। तो आज का ये हमारा सफ़र यहीं पे एंड करते हैं। तो कल जो है वो फैसल मूवर्स की कुछ शूट्स हैं वो करेंगे, इसके अलावा दूसरी कंपनीज की भी कुछ शूट्स करेंगे, वीडियोस वगैरह शूट करेंगे। और फिर आगे का जो भी होगा वो भी फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।